तो हमने लास्ट टाइम किया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई मास m1 है मूविंग विद u1, मास m2 है मूविंग विद u2, इनकी कोलिजन हो जाती है, m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं है, तो v1 के हमने दो फॉर्मूलाज किए थे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरीके से हमने v2 का फॉर्मूला भी डराइव किया था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इनटू u2 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, ठीक। तो ये इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थी, और इसी के साथ हमने एक और भी टर्म डिस्कस की थी और डिस्कस किया था, कौन सी, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस है। इन इलास्टिक कोलिजन में ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 10 केजी की बॉडी है और 10 केजी इज मूविंग विद मान लो 5 मीटर्स पर सेकेंड, और एक और बॉडी है कितनी 5 kg की बॉडी है मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर कोलिजन मुझे 10 kg बॉडी की क्या निकालनी है, वेलोसिटी v1, और मुझे 5 kg की वेलोसिटी भी निकालनी है, कितनी v2। ये क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम ये है कि v1 और v2 के वो बड़े बड़े फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है इसमें, क्योंकि वो एप्लीकेबल कब है, जब कोलिजन किस में है, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D बस। अब क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या टर्म गिवन होगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको रेस्टिट्यूशन गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है, 1/2, ठीक। इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहली इक्वेशन क्या लगेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहली इक्वेशन बनेगी 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 इज 10 इंटू वी1 और 5 इंटू वी2, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे वी1 एंड वी2, ठीक। और उसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन इसमें बनेगी वो क्या बनेगी, रेस्टिट्यूशन की, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो आप इसमें e की वैल्यू को पुट करेंगे जो गिवन है, v2 v1 मुझे निकालना है, u1 की वैल्यू कितनी है 5 है और u2 की वैल्यू कितनी है 1 है। यहां से v2 माइनस v1 की जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, 4/2, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर होगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है,